बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सबको यहाँ आने का। एक स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था यहाँ। जैसा कि आपको पता है कि समस्तीपुर में एक बेहद शर्मनाक घटना घटी है कि एक 15 बरस के दलित बच्चे को, जिसका नाम दीपक पान है, 9 घंटे तक खूंटे में बांध के मारा गया उसको। और ये घटना सिर्फ इसलिए घटी, खूंटे में इसलिए उसको बांधा गया, इल्ज़ाम ये था कि वो एक चोरी किया था, एक चॉकलेट चोरी किया। दुकानदार उसको पहले एक झोपड़ी में बांध के मारता रहा सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और 11:30 बजे एंट्री होती है वहाँ की जो मुखिया पति है दिलीप सिंह जी का। दिलीप सिंह आते हैं और उसको आदेश देते हैं कि इसको छपरी के झोपड़ी में क्यों बांध के मारे, इसको बाहर ले जाओ। और खंती जो होता है सांभल, उसको गढ़ के उसका यहाँ रस्सी और पैर में बांध के उसके बीच में उसको बांधा जाता है, उसके बेल्ट से, जूते से, चप्पल से उसको लगातार मारा जाता है। और ये जो हाई प्रेशर वाटर ट्यूब होते हैं जिससे हम लोग कार वॉशिंग करते हैं, उससे उसके शरीर पे लगातार पानी का बौछार किया जाता है। उतना ही नहीं, फिर दिलीप सिंह आदेश देते हैं कि उनकी माँ ने जो थाना में लिखा है उसके आधार पर, जब मैं वहाँ गया कल, मैं 7 जून को जब मैं वहाँ गया उसके घर पे, तो उसकी माँ और दिलीप ने जो सारी कहानियाँ बताई, मिर्ची का चूर्ण को उसके पूरे शरीर पे मला गया, उसके आँख में डाला गया, और ये कहा गया कि तुम 51,000 रुपया लेकर आओ तो हम छोड़ेंगे। और उसकी माँ बेचारी गरीब कहाँ से लाती, और वो गांव में गई, 11,000 रुपया लेकर गई और उसको मारा और उसको दिया दुकानदार को, फिर भी उसको छोड़ा नहीं। जब ये सोशल मीडिया पे किसी ने उसको देखा, विजुअल बनाया, और वो पुलिस सोशल मीडिया पे गया और एसपी अपने एक्शन में आए, पहले वेरीफाई कराया कि वो कहाँ का है, सिंगिया थाना का है, और फिर दरोगा वहाँ गया और तब तक ये लोग भाग चुके थे। वो आरोपी को और इसको, दीपक को, उठा के थाना ले गया और वहाँ से उसको छोड़ दिया। फिर 1:30 बजे रात में दरोगा आता है उसके घर पे, उसको और उसके माँ को उठा के ले जाता है, और वहाँ अपने से दरोगा एक FIR लिखता है और इससे साइन करवाता है दीपक की माँ से। और इतना ही नहीं, और 3 ब्लैंक पेपर पर से उसका स्टाम्प ले लेता है। लेकिन नियम ये है कि जब अनपढ़ महिला हो, निरक्षर हो, उनको पढ़ने नहीं आता हो, तो दरोगा को उनको FIR पढ़ के सुनाना होता है। उसने वो नहीं किया, और उस FIR में कहीं भी दिलीप सिंह का नाम इन लोगों ने नहीं डाला, जिसके संरक्षण में, जिसके इशारे पे इतनी कुकृत्य हुआ, इतनी बड़ी अमानवीय घटना घटी, 9 घंटे तक लगातार सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लगातार उसके साथ ये अमानवीय घटना होता रहा और पूरी दुनिया मूकदर्शक बनी रही। मैं कल जब DSP से मिला, रोसड़ा DSP, तो मैं उनको कहा कि भाई आप क्यों आखिरकार उनके, दिलीप सिंह को, उसमें नामजद नहीं किया। और दिलीप सिंह फ़ोन करके पीड़ित को, उसकी माँ को धमकी दे रहा है कि अगर मेरा नाम डालते हो तो हम तुम्हें नामो निशान मिटा देंगे। मेरा यही कहना है प्रशासन से, जब मुझे ये पता चला तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, मैंने जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनसे मैंने बात की, और उन्होंने कहा कि ऑल हैव बीन अरेस्टेड, उनका जवाब था कि ऑल हैव बीन अरेस्टेड, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है दिलीप सिंह जी, उनका अभी तक वो बाहर घूम रहा है और धमकी दे रहा है। और पुलिस को जब ये बात कहा जा रहा है कि आप दिलीप सिंह का नाम को नामजद कीजिए, वो तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अगर पुलिस 7 दिन के अंदर में ये एक्शन नहीं लेती है और उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो अखिल भारतीय पान महासंघ समस्तीपुर को, पूरे बिहार के, पूरा महान पान महासंघ के लोग समस्तीपुर में जमा हो जाएंगे, एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी करेंगे। मेरी मांग प्रशासन से है कि दिलीप सिंह को नामजद कर उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे। इतनी बड़ी जो घटना घटी, सिर्फ एक चोरी का कारण है या कुछ और कारण है जो इतना बड़ा कुकृत किया गया, मारपीट किया गया? देखिए, मैं जब उनसे पूछा कि क्या तुम चोरी किए हो या ना किए हो, उन्होंने कहा कि सर मैं, आप सोचिए दिन में कैसे कोई चोरी कर सकता है दुकान से। उसके पॉकेट के, जब वो मारा जा रहा था, जब घेरा गया लोग, तो उसके पॉकेट में 5-6 पॉकेट के बिस्कुट डाल दिया उन लोगों ने। इल्ज़ाम तो यह, मान लीजिए कि उसने चोरी किया बिस्कुट का, एक पल के मान भी लेते हैं, तो क्या आप इस तरह मानवीकृत करेंगे क्या?
कानून को हाथ में लेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह की घटना लगातार अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है और ये बिल्कुल अमानवीय है, इसको किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो सांसद है क्या प्रिंस पासवान, हमको नहीं पता लगता है कि सांसद कोई प्रिंस पासवान भी समस्तीपुर में उस नाम का कोई सांसद भी वहाँ है, मुझे नहीं लगता है। दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, पिछले दिनों साहिबगंज में एक दलित को पानी पीने के लिए मारा गया, 1 रुपये के चॉकलेट के लिए बच्चे को मारा जा रहा है, आदिवासी के सर पे पेशाब कर दिया जा रहा है। अब यही समझिए ना कि आखिर किस तरह की मानसिकता इस मोदी सरकार में उन लोगों का हो गया है जो दबंग टाइप के लोग हैं, ये फिर से पुरानी चीज़ें उभर के आ रही है। बिहार में तो आपकी भी सरकार, तो महागठबंधन की सरकार। देखिए करने वाला कौन है, सरकार तो वहाँ नहीं थी, सरकार पुलिस प्रशासन को जब गया तो उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया, कुछ हद तक काम किया, लेकिन सरकार 24 घंटे हर जगह तो नहीं होती है। अब यही सरकार से मानना है ना, अब देखना है कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। हम तो अपने स्तर पे भी, हम अपने स्तर पे भी सरकार से ही कहेंगे, हम अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कहेंगे कि भाई हम लोग सरकार के हिस्सा हैं और हमारे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है तो क्या कर रहे हैं आप। हम अपने क्या करने जा रहे हैं, देखिए आईपी गुप्ता जी मैं ये करने जा रहा हूँ कि अगर इस 7 दिन के अंदर वो नहीं गिरफ्तार होता है दिलीप सिंह जी, तो हम लोग पूरे पान समाज के लोग समस्तीपुर को घेर लेंगे। दिलीप सिंह कौन है जिसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? ये मुखिया मुखिया का एक पति है, वहाँ जो मुखिया है सिंघिया का, उसका पति है। और मुझे कि आखिर ये पुलिस जो है ब्लैंक पेपर पर क्यों साइन करवाई, और जिस समय उठा के ले गया शाम को तो उस समय क्यों FIR दर्ज नहीं हुआ? इलाज रात में 1:30 बजे जाके किया है लोग, उस समय नहीं किया, और उस समय FIR दर्ज होना चाहिए था ना फर्द बयान पे, वो क्यों नहीं किया? आखिर अनपढ़ महिला से क्या लिखाया नहीं लिखाया पढ़ के सुनाया ने। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।